भूल गए हम याद करें फिर ये भारत भूमि कितनी महान इतिहासों में झांक ले फिर से ढूंढ ले खोया सा अभिमान जो भविष्य को सवारे हरदम गढ़ ले एक ऐसा वर्तमान ये भारत भूमि कितने महान आशा कर ले हम तेरे और मेरे सबके भारत की बात जाता है कि शांतनु ऋषि एक बार अपनी पत्नी अमोघा के साथ घोर तप के लिए बैठे तभी वहां ब्रह्मा जी आ गए और उन्होंने अमोघा को देख लिया अमोघा की सुंदरता पे वो मुग्ध हो गए और इस तरह अमोघा ने ब्रह्मा के एक पुत्र को जन्म दिया शांतनु ऋषि उस पुत्र को ले गए और चार पर्वतों की निगरानी में छोड़ आए वो चार पर्वत थे कैलाश गंधमाधन जरुद्धि और संभवर्तक वहीं पे उस पुत्र ने ब्रह्मकुंड का स्वरूप ले लिया कई वर्ष बाद परशुराम जी वहां पहुंचे उन्होंने अपनी माँ का वध किया था और उसका प्रायश्चित उन्हें करना था लोगों को पानी की जरूरत थी इसलिए उस ब्रह्मकुंड की एक दीवार को परशुराम जी ने अपने कुल्हाड़ी से गिरा दिया और उस कुंड से जो पानी बहा उस बहते हुए पानी से परशुराम जी की कुल्हाड़ी और उनके पाप दोनों धुल गए वो पानी जब नीचे आया तो वो परिवर्तित हुआ एक नदी में जिसे हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं आप सबको सुनकर हैरानी होगी कि भारत की सारी नदियाँ स्त्रीलिंगी हैं सिर्फ ब्रह्मपुत्र पुत्र है इसलिए इस नदी को ब्रह्मपुत्र नद के नाम से भी जाना जाता है इस नदी में न जाने कितने खजाने छिपे हैं लेकिन सबसे अनमोल खजाना जो इस नदी से जुड़ा है वो है भारत का पूर्वोत्तर जिसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के नाम से भी जाना जाता है अगर आपको नॉर्थ ईस्ट के बारे में जानना है अगर उसकी गरिमा जाननी है तो एक बार इस ब्रह्मपुत्र के दर्शन जरूर करिए आठ राज्य जिन्हें प्यार से सेवन सिस्टर्स और वन ब्रदर के नाम से जाना जाता है उन्हीं से बना है ये क्षेत्र कमाल की नैसर्गिक सुंदरता रिसोर्सेज रिच कल्चरल हेरिटेज और ट्राइबल ट्रेडिशन से भरपूर है यह बड़े दुख की बात है कि कुछ वर्षों तक यह पूरा का पूरा इलाका भारत से बिल्कुल कटा रहा लगभग हर सरकार का इस भूमि के प्रति रवैया
और यहाँ की समस्याएं सुलझाने का तरीका दोनों गलत रहे और इसी की वजह से ये स्वर्ग जैसी सुंदर भूमि भारत की जान और भारत की शान बनने की जगह भारत का सबसे बड़ा चैलेंज बनती चली गई। चंद सालों पहले अगर नॉर्थ ईस्ट के किसी राज्य में अगर चुनाव भी होता था तो किसी को पता नहीं चलता था। आज अगर त्रिपुरा में भी अगर चुनाव होता है तो सबको पता चलता है। तो अभी एशियन में एक हाईवे बन रहा है पूरा इंडोनेशिया तक कनेक्ट करने का, पूरा नॉर्थ ईस्ट को। तो इससे ना केवल हम लोग का इकोनॉमी को भी एक सपोर्ट मिलेगा बट कल्चरल एक्सचेंज भी होगा। और जैसे अभी हम लोग स्ट्रेटेजिकली बात कर रहे हैं, जैसे अभी चाइना का अभी डोमिनेंस बढ़ रहा है पूरे साउथ ईस्ट एशिया में, तो बाकी उन सब कंट्रीज में अगर हम लोग का अपना कल्चरल टाइज भी है हिस्टोरिकल, तो वो सब एक्सचेंज करने से और इकोनॉमिकली लिंक अप होने से हम एक चाइना को बैलेंस करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म खड़ा कर सकते हैं। मैं एक नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ जिसमें सब जगह से स्टूडेंट्स आते हैं। वो लोग बड़े अचंभित हो गए थे जब वो पहली बार गुवाहाटी में आए थे, क्योंकि उन्होंने सोचा था यहाँ बिल्डिंग नहीं होगी। तो मेरा ये मानना है कि एक दिन सब चेंज आएगा, पर सबसे पहले इस आइडियोलॉजी को चेंज करने की बहुत दरकार है। उस विजन के साथ आगे बढ़ते रहेंगे और भारत को नॉर्थ ईस्ट के साथ एक बहुत बड़ा सुपर पावर बनाएंगे। नॉर्थ ईस्ट का जो हमारा क्षेत्र है जिसको समझने में हमने इतना समय लगा दिया, क्या आपको पता है कि ये हमारी संस्कृति से प्राचीन काल से जुड़ा है। हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, रामायण महाभारत लगभग सभी ग्रंथों में नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के बारे में उल्लेख किया गया है। ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग में असम के कर्बी आदिवासी पुर्थेमी कुंगरीपी मतलब सीता माता को ढूंढते हुए यहाँ आए थे और अयोध्या वापस जाने से रह गए। आज मैं आपको सरायघाट की लड़ाई की कहानी बताऊंगी। असम में उन दिनों अहोम डायनेस्टी का राज था और पूरे नॉर्थ ईस्ट में घुसने का एक ही द्वार है और वो है असम। 17वीं शताब्दी में नॉर्थ ईस्ट पर काबू करने के लिए मुगल यहाँ पे आ गए। अहोम डायनेस्टी के जो सेनापति थे जिनका नाम था लाचित बोरफुकन, वो एक बहुत ही पराक्रमी और चतुर सेनापति थे। अब मुगल आए थे सूखे और रेतीले इलाके से और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में साल के 5 से 6 महीने घमासान बारिश होती है जिसकी मुगलों को बिल्कुल आदत नहीं थी। तो इन ज्योग्राफिकल कंडीशंस का फायदा उठाकर गुरिल्ला टैक्टिक्स यूज करके सेनापति लचित मुगलों पर सरायघाट में टूट पड़े और ब्रह्मपुत्र के पास की इस लड़ाई में उन्होंने मुगलों को ऐसा खदेड़ा कि दोबारा उन्होंने नॉर्थ ईस्ट की तरफ रुख करने की कभी जरूरत नहीं की। और इसीलिए आप पाएंगे कि यहाँ के कल्चर में, यहाँ के आर्किटेक्चर में आपको मुगल ट्रेसेस जरा भी नहीं मिलेंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि आखिरकार 19वीं शताब्दी में अंग्रेज यहाँ घुसने में कामयाब हो गए, लेकिन उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने आज़ादी की जंग छेड़ी और ख़ासकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में यहाँ के लोगों ने अपने आप को झोंक दिया। ज्योति प्रसाद अग्रवाल, कनकलता बरुआ, मुकुंदा काकोटी, भोगेश्वरी फुकनानी, कुशल कंवर जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने निडरता से अंग्रेजों की मुखालिफत की और अपने देश के लिए शहीद हुए। क्या आप जानते हैं कि पूरे भारत में सिर्फ नॉर्थ ईस्ट ही ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया था? कई भारतीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी की तरफ से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। नॉर्थ ईस्ट के इन सारे फ्रीडम फाइटर्स को भारत की बात की पूरी टीम की तरफ से नमन और श्रद्धांजलि। आज़ादी के बाद इतने सालों से नॉर्थ ईस्ट की तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ की बुनियादी सुविधाएँ, बाकी देश के साथ यहाँ की कनेक्टिविटी बिल्कुल ना के बराबर थी। नॉर्थ ईस्ट आने और जाने के लिए पर्याप्त यातायात सेवाएं भी नहीं थी और इसीलिए हम कभी यहाँ के लोगों को, इनकी भाषाओं को, इनके रहन सहन को समझ ही नहीं पाए। बस इनका मजाक उड़ाते रहे इन्हें चीनी और जापानी कह के, क्योंकि हम इन्हें कभी जान ही नहीं पाए। पूरे विश्व का 70% ऑर्किड प्रोडक्शन अकेले पूर्वोत्तर में होता है। यहाँ लगभग 825 नायाब ऑर्किड्स की किस्में हैं। सबसे समृद्ध जैव विविधता होने में पूर्वोत्तर पूरे विश्व में 7वें स्थान पर है। त्रिपुरा और मिजोरम सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट्स वाले राज्यों में से हैं और हाल ही में
सिक्किम भारत का सबसे पहला पूरी तरह ऑर्गेनिक कृषि करने वाला राज्य बना है। नॉर्थ ईस्ट के बारे में थोड़ी और जानकारी हासिल करते हैं। आइए मिलते हैं इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के डायरेक्टर श्री मनीष सिंह से। कहीं सारे यहाँ पे प्लेसेस है, उससे आपको पता चलता है कि हाउ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज कनेक्टेड विद हिस्ट्री ऑफ इंडिया। वी हैव वशिष्ठ आश्रम, देन वी हैव मणिपुरी प्रिंसेस चित्रंगदा हु गॉट मैरिड टू अर्जुना। मेघालय में भी एक ऐसे जगह है, कहा जाता है कि रामायण में जब हनुमान जी संजीवनी बूटी ढूंढने निकले थे तो वो यहीं था और वो पहाड़ यहीं से लेके गए थे। अच्छा। तो वो लोकेशन यहीं पे है। सो मेघालय में फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ विलेज, एक कोंठोंग करके एक विलेज है, वहाँ में लोग जो है अपने नाम और कुछ बात करने के जो तरीके हैं ये एक सुर में सुर से सुर मिला के करते हैं। हाँ। तो इट्स वेरी यूनिक, लाइक मतलब बातचीत सुर में करते हैं। हाँ जी, जैसे कि आपका नाम है तो आपका नाम के ऊपर एक सुर रखेंगे, तो उसी जब आप वो सुर गुनगुनाएंगे। हाँ। तो वो आप है और आपके बारे में है ये पता चलता है, यू नो। और इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है कि यहाँ तो पहाड़ है। हाँ। तो कई कई बार हम लोग नाम पे बुलाते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो उस पार में जो जो भी काम कर रहे हैं वो पता नहीं चलता है क्या बोल। हाँ। तो वो गाएंगे तो आराम से मतलब करते हैं। हाँ। जैसे कुछ लगभग जो किशोर कुमार जी का जो युडलेयू है उस स्टाइल में गुनगुनाते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग विलेज थे। तो इस तरह का छोटे छोटे कल्चर्स, यू नो, जो डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, रेयर आर्ट फॉर्म्स, हर एक क्षेत्र में अलग अलग एक यूनिकनेस अपना कल्चर आपको दिखाई देगा। वंडरफुल। और कुछ विलेजेस यहाँ पे हैं जो सीटी बजा के भी बात करते हैं एक दूसरे से, मैंने सुना है। हाँ जी, ये कोंठोंग के भी मैं कह रहा था। हाँ। तो वो ऑलमोस्ट विस्लिंग और हमिंग, यू नो, मेन राइट वर्ड वुड बी द हमिंग। हमिंग से वो लोग एक दूसरे को संपर्क करते हैं, कैसे हो भाई, खाना खाने आ जाओ, लाइक दैट वो हम करके बुलाते हैं। तो ओवरऑल बच्चे से लेके बड़े तक उनके अपने अपने एक ट्यून है, अपने अपने, यू नो, जैसे। तो उस विलेज में कभी झगड़े होते ही नहीं होते होंगे किसी के भी, इतना आगे इतनी मिठास है सब जगह, तो झगड़े कैसे होंगे? देखिए, झगड़ा और इसे नोटिस के जो एक यू नो इमेज है, ये जो दोस्त स्टेइंग आउटसाइड नोटिस, उसमें एक अलग उनको एक इंफॉर्मेशन गलत दिया गया है कि यहाँ डिस्टर्बेंस है, ये है। ऑफ कोर्स इंसर्जेंसी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन यहाँ के लोग अगर आप उन तक पहुँच पाए तो बहुत दिल के अच्छे हैं, विद ओपन आर्म्स वेलकम करेंगे। और वो अपने कल्चर में, अपने हर चीज़ में वो लोग आपको इन्वॉल्व करना चाहेंगे, रिच कल्चर में। कुछ समय पहले तक नॉर्थ ईस्ट की बुनियादी सुविधाएं जो हैं बहुत ही बुरी हालत में थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ समय पहले तक यहाँ के स्टेट कैपिटल्स जो थे वो भी ट्रेन से कनेक्टेड नहीं थे। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, वहाँ पे सबसे पहली बार ट्रेन लाइंस पड़ी 2008 में। अरुणाचल के ईटानगर को सबसे पहली बार रेलवे से कनेक्ट किया गया 2014 में। जब ट्रेन्स की ये हालत है तो हम सड़क और एयर कनेक्टिविटी के बारे में क्या बात करें। लेकिन अब सब कुछ बदल रहा है। आज़ादी के 70 साल बाद अब जाकर नॉर्थ ईस्ट में हर लेवल पर डेवलपमेंट शुरू हो रहा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने नॉर्थ ईस्ट के लिए हीरा की घोषणा की है। हीरा मतलब हाईवेज, इंटरनेटवेज, रेलवेज और एयरवेज। और भारत में पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट बनाई गई है और हमारे नीति आयोग ने भी एक स्पेशल नॉर्थ ईस्ट फोरम क्रिएट किया है, जिसके चलते अब ये 8 राज्य अष्टलक्ष्मी बनकर भारत की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत नॉर्थ ईस्ट में तेजी से विकास हो रहा है। भारत का सबसे लंबा भूपेन हजारिका ब्रिज और सबसे लंबा रेल और रोड कंबाइंड बोगीबेल ब्रिज यहीं पे बन रहा है। आज यहाँ 47,000 करोड़ रुपए के रेलवे प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं। सिक्किम में पहला एयरपोर्ट पैक्योंग एयरपोर्ट शुरू हो चुका है। अरुणाचल प्रदेश में तेजू एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। गुवाहाटी और शिलोंग के मौजूदा एयरपोर्ट्स का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में
3800 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाने का कार्य जारी है, जिसमें से 1200 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए जा चुके हैं। साथ ही 2022 तक नॉर्थ ईस्ट की हर ग्राम पंचायत और हर गांव तक ऑप्टिकल फाइबर्स के जरिए इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए 100 अरब की धनराशि की लागत से 415 प्रोजेक्ट्स शुरू किए जा रहे हैं। एक तरफ नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट हो रहा है और दूसरी तरफ ये एक बहुत ही गर्व की बात है कि नॉर्थ ईस्ट भारत के लिए एक उदाहरण स्थापित कर रहा है। सोलर पावर का व्यापक उपयोग आने वाला भविष्य है, लेकिन गुवाहाटी रेलवे स्टेशन 100% सोलर पावर पर चलकर इस आने वाले कल को आज सार्थक बना रहे हैं। ये हमारे रेलवे की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है। यहाँ की हमारे माननीय चेयरमैन रेलवे बोर्ड के आदेशानुसार सब जगह ही ये व्यवस्था की जा रही है, जिसमें गुवाहाटी स्टेशन नॉर्थ ईस्ट में पहला स्टेशन है जिससे सोलर सिस्टम से बिजली जो पैदा होती है उसी पर गुवाहाटी स्टेशन का जो खपत हुआ है उससे भरपाई हो रहा है। यहाँ पर दिनों दिन जो है जैसे आपको तेल, कोयला, जैसे इस सब का जो उपयोग हो रहा है धीरे धीरे उसको तो उपलब्ध स्टॉक जो है कमी हो रही है। यह आवश्यकता महसूस की गई कि यदि सूर्य की रोशनी से सोलर प्लेट लगा करके यदि हम लोग बिजली जनरेट करें तो ये जो कुछ बचा हुआ कोयला तेल है भविष्य में आने वाले जनरेशन के लिए बचेगा। गुवाहाटी स्टेशन में टोटल सोलर 2400 सोलर प्लेट लगा है, इससे जो है 2600 यूनिट आपको बिजली का उत्पादन हो रहा है। जो इस उत्पादित बिजली को हम लोग जो है पावर ग्रिड में सप्लाई देते हैं, क्योंकि पावर ग्रिड जो है जितना हमको बिजली देता है तो उसमें जितना हम उसको सप्लाई देते हैं वो रिटर्न हमको कर देता है। बिजली के बिल के रूप में पहले देना पड़ता था, उसका अभी 60% स्टेशन में बिजली खपत होने पर मुझे अभी बचत हुआ है। पहले तो बहुत सारा हुआ था, आज चूँकि दिन से दिन बढ़ रहा है इसका कोई फिक्स्ड मानदंड नहीं है कि हमारे एसी नए नए लग रहे हैं, लाइटिंग व्यवस्था बढ़ रही है, फैन भी बहुत जगह हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो 60% जो है गुवाहाटी स्टेशन में खर्चा को हम लोग बचत किए हैं अपना उत्पादन करके। नॉर्थ ईस्ट की एक बहुत ही खास बात है जो सिर्फ भारत ही नहीं पूरा विश्व मानता है, और वो है यहाँ का स्पोर्ट्स कल्चर। आमतौर से माँ बाप खेल कूद को बच्चे की पढ़ाई की रुकावट मानते हैं, समय की बर्बादी समझते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की ऐसी मान्यता है कि एक बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए खेल उसके जीवन में अनिवार्य होना चाहिए, और शायद इसीलिए इस क्षेत्र ने हमें बेमिसाल खिलाड़ी दिए हैं, जैसे कि मैरी कॉम, लैशराम, सरिता देवी, जयंता तालुकदार, संजीता चानू, शिवा थापा, कुंजारनी देवी, मीराबाई चानू और भी बहुत सारे। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट का एक और सितारा है जिन्होंने पूरे भारत को फुटबॉल से प्रेम करना सिखाया और जिनकी उपलब्धियों की चर्चाएं पीढ़ियों तक होंगी। आइए मिलते हैं फुटबॉल के लिविंग लेजेंड बाईचंग भूटिया से। फुटबॉल मैं शुरू किया हूँ सिक्किम से ही, जब मैं एक गांव टिंकीताम से जन्म उधरी हुआ, और बचपन से मैं खेल के जब 12 साल का था मुझे स्कॉलरशिप मिला स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, और 16 साल प्लस 17 ईयर्स में मैं ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब से ऑफर मिलके प्रोफेशनल फुटबॉल मैंने शुरू किया तब से, और भारत के लिए मैं 16 साल खेल चुका हूँ और 11 साल मैंने इंडियन फुटबॉल टीम के लिए कप्तान भी किया। आप अगर कोई भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट जाएंगे तो एक स्पोर्ट्स का कल्चर है, और नॉर्थ ईस्ट लोगों के एक फिटनेस, एक नेचुरल इनबॉर्न टैलेंट भी रहता है, और फिजिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग, मेंटली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। फैमिलीज अभी काफ़ी सपोर्टिव है, पहले 20-25 साल आगे यस खेलने के लिए इंकरेज करता था लेकिन प्रोफेशनली ऐसा कोई करियर नहीं बनाया जाता, तो उस समय फैमिलीज लोग भी चाहते थे कि पढ़ाई करके कुछ करने के लिए, बट अभी का जो माहौल है नॉर्थ ईस्ट में और स्पेशली सिक्किम में भी, तो काफ़ी स्पोर्ट्स खेल के भी एक करियर बना सकता है, वो इंकरेजमेंट और सपोर्ट काफ़ी फैमिली लोग से भी मिलता है। जब भी नॉर्थ ईस्ट का कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन एक सक्सेस मिलता है देश के लिए, भारत के लिए जब सक्सेस लेते हैं, तो डेफिनेटली भारत के लिए तो अच्छा ही है लेकिन ये रीजन के लिए बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर है। जो नॉर्थ ईस्ट के लोग थे एंड ऑल्सो रेस्ट ऑफ जो इंडिया के साथ जो कनेक्शन, आई थिंक मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं
स्पेशली एक रोल मॉडल्स भी नहीं हो पा रहा था, तो आई थिंक स्पोर्ट्स के जरिए भी एक तो इंटीग्रेशन के लिए बहुत हेल्प हुआ है। एट द सेम टाइम आई थिंक जो लास्ट 5 साल में गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर जो इन्वेस्ट किया है नॉर्थ ईस्ट में, तो वो लेके भी मुझे लगता है कि काफ़ी एक इंटीग्रेशन का काम अच्छे ढंग से हुआ है। नॉर्थ ईस्ट को आज भारत साउथ ईस्ट एशिया के गेटवे के रूप में देख रहा है और पूरा सिस्टम, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और लोग स्वयं लगे हुए हैं नॉर्थ ईस्ट को एक डिजिटल कनेक्टेड और फुल्ली डेवलप्ड क्षेत्र बनाने में। पूर्वोत्तर की भूमि जो हमारी धरोहर है, ये हमारे हृदय से जुड़ी हुई है और भारत का विकास तभी होगा जब हमारे नॉर्थ ईस्ट का विकास होगा। और हम फिर से एक बार सर उठाकर गर्व से कहेंगे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये थी हमारे भारत के नॉर्थ ईस्ट की बात, आपकी बात, मेरी बात, हम सब की बात, भारत की बात। आजा कर ले